हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। और आप सबको पता है कि जी जनाब, ईद है। तो अभी यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि हम भी जा रहे हैं अपनी ईद मनाने के लिए कराची, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। पहले हमने सोचा था हम यहीं ईद मनाएंगे क्योंकि हमारे नेबर्स थे, फिर वो भी चले गए, तो फिर हमने बोला कि अब तो जाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने पैकिंग वगैरह सारी कर लिया और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी जो है ना वो 1 घंटे तक हम लोग निकल जाएंगे जाने के लिए। अभी ना टाइम था जाने के लिए, तो मैंने सोचा तब तक मैं अपनी बहन को मेहंदी लगा लूँ। तो यहाँ पे मैं उसको मेहंदी लगा रही थी। असल में जो नीचे लाइट सी है ना, वो मैंने उसे रात में लगाई थी और फिर उसे भी नींद आ गई थी मुझे भी, और फिर हम दोनों सो गए थे। तो मैंने सोचा अभी जितनी देर है जाने में, तब तक जितनी मेहंदी लग गई मैं उसे लगा लेती हूँ, और फिर हम निकल गए थे। और मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा रास्ता दिखा दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रास्ता दिखाना एक बहुत बोरिंग होता है। मतलब क्या, मतलब रास्ते पे मतलब क्या ही देखें। और मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि मैं रास्ते में गाने नहीं सुनती, तो मैं आप लोगों का अभी नहीं सुना भी नहीं सकती। और ये मैं यहाँ पे घर पहुँच गई थी और इधर जो है ना मेरे सारे कज़िन्स आ गए थे। मतलब इनको पता चले कि भाई हम लोग आए तो सब आ जाते हैं फ़ौरन फ़ौरन। और यहाँ पे मैं रात के 2-3 बजे के टाइम ना अपनी मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि कोई था ही नहीं लगाने वाला, और बहनों को लगाने के बाद ही बच गया था। और जी जनाब, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पे मेरे जो है ना वो कज़न्स आ गए थे सुबह सुबह ईद मिलने, नहीं मतलब ईदी लेने, ठीक है, जबकि देना इनको चाहिए। बट पता नहीं, मतलब इनको लड़कों को समझ ही नहीं आती है कि लड़कियों से नहीं मांगते होते, उनको देते होते हैं। और खैर, यहाँ पर जो है ना मैं, और यार यहाँ पे ना मैं नेल पेंट लगवा रही थी। वैसे तो सब रात को लगवा लेते बट हम नहीं लगवाते क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, और ये मेरा कज़न मुझे लगा रहा था। मतलब इससे जो है ना मेरा पूरा हाथ ही गंदा कर दिया था बदतमीज़ ने। फिर जो है ना मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि यार ये सारी नेल पेंट साफ़ करो, और फिर उसने मुझे सही से करके लगाई और नेल पेंट साफ़ की। और यहाँ पर जो है ना मेरी और कज़न भी आ गई थी, और फिर हम सब तैयार होके, मतलब प्रॉपर वाला तैयार होके नहीं, बस होते हैं ना कि आप नमाज़ के लिए कपड़े अलग से स्टिच करवाते हो, वो पहन के जो है ना हम लोग तैयार हुए थे और नानों से सलाम करने जा रहे थे सुबह सुबह सबसे पहले। और यहाँ पे मुझे रास्ते में एक बच्चा मिल गया, और मतलब मैंने भी ना कहा कि अब मैं अपनी गन तो नहीं ले सकती पर बच्चों से लेके तो यूज़ कर सकती हूँ ना। और उसके बाद फिर हम लोग नानों के घर पे चले गए थे, फिर वहाँ पे नानों लोगों से सबसे मिले, खाना वाना खाया, बहुत सारा मज़ा मज़ा किया। तो मेरा यहाँ आके ईद मनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट ना फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब चलो आ गए, अच्छा हुआ। मतलब ईद आपकी वहीं होती है ना जहाँ पे सारे कज़न्स होते हैं। और यहाँ पे जो है ना हमारे एक अदर रिलेटिव आए थे, और हम ना इनसे ज़बरदस्ती ईदी निकलवा रहे थे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो आपको ख़ुद से दिल ईदी दे देते हैं बहुत खुले दिल से, और कुछ लोग हैं जिनसे ना ज़बरदस्ती देनी पड़ती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो कि मेरा मैंने बताया ना कि नमाज़ पढ़ने के लिए ही होता है। मम्मा हमेशा हमारा जो है ना फर्स्ट डे के 2 बनाती हैं, जो एक नमाज़ पढ़ने के लिए हो और दूसरा तो ईद के लिए। और यहाँ पे हम लोग जो है ना खा रहे थे खाना, यार हम लोग ऐसे ही खाते हैं, अपना कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती कि अलग अलग लेके खाओ। मतलब ननिहाल तो मतलब अपना ही घर होता है। और यहाँ पे पता ही है ना, बाहर अंकल आए हुए थे, कॉटन कैंडी आए होता है ना ये, तो मैंने बोला कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ, तो कहते हैं हाँ बेटा कितने का चाहिए। और मुझे थोड़ा सा एम्बेरस भी फील हुआ, अंकल ने मेरा मोए मोए कर दिया, तो मैंने इनसे फिर ये ले ही लिया। और फिर मैंने अकेले खाया, और फिर मैं ऊपर आ गई, और यहाँ पे मुझे इतने सारे तोते और चिड़िया दिखी, मतलब इतने खूबसूरत। मतलब मैंने तो कभी वाइट कलर की और ब्राउन कलर की चिड़िया नहीं देखी थी, ये तो मैं पहली दफ़ा देख रही थी, और थी भी इतनी सारी माशाल्लाह माशाल्लाह। और तोते भी जो है ना, मैंने पैरेट 2-3 कलर्स में देखे, मतलब यहाँ पर तो इतने सारे थे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत। और फिर यहाँ पर हमने दोबारा से जो है ना मामी के घर पर भी चावल खाया। और भाई हम लोग ऐसे ही खाते हैं लाइक आराम से कंफर्टेबल होकर। और मीठा तो आपकी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आपकी बहन जो है ना वो सबको सर्व कर रही थी, कि आपकी बहन बड़ी है ना सबसे। फिर हम घर गए, तैयार व्यार हुए, चेंज किया, फिर उसके बाद जो है ना हम आ गए थे अपने चाचू के घर पे। उनकी मेरी कज़न्स की शादी हुई थी तो उसकी एल्बम्स देखी, और उसके बाद हम सब बातें कर रहे थे। फिर वहाँ से हम सारे कज़न्स मिल के जो है ना वो बाकी चाचू के घर में आ गए। और ये ना शाम की वीडियो है, मैं शाम को दोबारा से प्रॉपर तैयार हुई थी। और हमारा ये है कि सारे रिलेटिव साथ साथ ही हैं, तो हमें कोई ना इतना मसला नहीं होता दूर दूर जाने का, बस हम सब 7 कज़न्स ही जो है ना वो एक एक करके सबके घर पे जाते हैं। अब मैं हम लोग क्या एक एक का बताऊँ कि किसका घर है, किसका घर है, कौन सा आप लोग किसी को जानते हैं?
बट ये है कि हम लोग बहुत सारे कज़िन्स होते हैं साथ साथ साथ, मज़ा आता है, मतलब जहाँ जाते हैं तफरी करते हैं। और यहाँ पे तो इतने सारे लोग बैठे हुए थे, फिर हम सबसे मिले और फिर अंदर जाके बैठे। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं पिक्स लूँ, बट ना मुझे लेने का मौका ही नहीं मिला, और या यूँ कहें कि टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पर जो है ना, मेरे कज़िन का मेलो ड्रामा चल रहा था, जो कि हमें बहुत बिल्कुल फ्री में देखने को मिला। पता नहीं मतलब करना क्या चाहते थे, मतलब अपना फ्यूचर देखना चाह रहे थे ये, क्या मतलब क्या। पर इनकी एक्टिंग अच्छी है, तो अगर आप में से किसी को भी जो है ना इनको कास्ट करना हो, तो आप लोग लाजमी करिएगा, मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब चले गए थे अपनी पप्पू के घर। हमने पप्पू को यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग किया। और जब हम घर वापस आ गए थे, तो हमें रास्ते में मिल गए हमारे छोटे चाचू, और हम कोई 8-9 कज़िन्स थे। हम सब ने इनको घेर लिया ईदी के लिए। और मज़े की बात कि ना किसी को पता ही नहीं था कि चाचू ना मुझे सुबह ही ईदी दे चुके हैं, तो इसलिए मैं ना बिल्कुल खामोश थी। पर फिर भी जो है ना, वो चाचू ने मुझे ही 500 का नोट दिया और बोला इन सबको ना 100-100 दे देना, क्योंकि उन्हें तो पता था उन्होंने मुझे तो ईदी दे दी है। और मैं भी बिल्कुल खामोश खड़ी है कि ऐसे ना हो कि मेरी ईदी है वो भी जाए। और यहाँ पे चाचू ने जो है ना लड़कियों की ईदी मुझे दी थी, और लड़कों को ना वो खुद ही दे रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे तुम लोग ना लड़कियों से भी ना साड़ी लेके खा जाओगे। उसके बाद जो है ना, हम लोग कुछ डिस्कशन वगैरह करने लग गए थे, और फिर जो है ना यहाँ पे एक और अंकल हमें नज़र आ गए थे, फिर हम सब ने उनको घेर लिया था। और फिर हम जो है ना वो चाचू के घर चले गए थे। और यहाँ पे इनका ये कैटो इतना 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 क्यूट, इसका नाम मीसू है, मतलब बंदा करता है कि सारा प्यार जो है ना वो इसी को ही दे दे, इसके साथ खेला वगैरह। और उसके बाद जो है ना, फिर हम लोग अपनी एक और कज़िन के घर चले गए थे, जिसे हम बिल्कुल भूल ही गए थे। और यहाँ पे हम जो है ना वेट कर रहे थे कि वो लोग जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलें, और फिर हम लोग उनके घर पे गए। बहुत लेट गए थे, और मुझे इनके घर का ना एंट्रेंस बहुत खूबसूरत लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो शीशा लगा हुआ है, मतलब इन्होंने ना इस तरह से बनाया हुआ है, तो बहुत प्यारा लगता है। मतलब जैसे ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर घर के एंट्रेंस में एक शीशा होना चाहिए, ताकि कोई आए या आप लोग कहीं जाए ना, तो मतलब अपने आप को एक दफ़ा देख लें। और यहाँ पे इनके घर पे जो है ना, मेरे कज़िन के दोस्त आए हुए थे, और अपने कज़िन से मिली, फिर हम लोग ऊपर गए। और उसके बाद ऊपर जाके हमने खाया पिया, थोड़ी बातें बातें की, पर हम ज़्यादा देर नहीं हो गए उधर, क्योंकि हम वैसे ही इतना लेट गए थे। हमने बोला ऐसा ना उनको सोना और वो बैठे हुए हो, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई आ जाए मुझे सोना हो, तो मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और मैं तो फिर उनके पास बैठती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे जो है ना, मैं सबको केक सर्व कर रही थी, और मेरी सिस्टर ने जो है ना मेरी वीडियो बनाई, मुझे तो पता भी नहीं था, ब्लर बनी है। बट है यार, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। एक दफ़ा फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बताइएगा आप सबकी ईद कैसे गुजरी, कितनी कितनी ईदी जमा हुई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।